बड़ी दिलचस्प आपको यहाँ पर ये हम खबर दिखाते हैं। पुरानी किताबें, पुरानी फाइलें, पुराने कागज को बेचना नई बात नहीं है। हर घर में दिवाली के पहले सफाई अभियान चलाया जाता है। इससे पैसे भी मिलते हैं और जगह भी खाली होती है। वैसे ये आम बात है, लेकिन जब पैसे करोड़ों में मिले और स्पेस कई लाख वर्ग फीट में खाली हो, तो इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है और हो रही है। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह सरकार के एक विशेष सफाई अभियान में पुरानी सरकारी फाइलों का सफाया किया गया और इससे सरकार की जगह भी बची है और करोड़ों रुपए की कमाई सरकार को हुई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू किए गए स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां साझा की हैं। 3 हफ्ते तक चले सफाई अभियान के दौरान अब तक करीब 254 करोड़ 21 लाख रुपए की रकम सरकार को मिल चुकी है। इस सफाई से 37,19,000 वर्ग फीट जमीन भी खाली हुई है, जिस पर कबाड़ रखा हुआ था। अब इस जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए हो सकेगा। इस अभियान में करीब 40 लाख फाइलों की समीक्षा की गई। इनमें करीब 3,05,000 शिकायतों का निपटारा भी किया गया है। पिछले साल चले ऐसे ही अभियान के तहत सरकार ने कबाड़ और फाइलें बेचकर 62 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें, केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभागों में 31 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलेगा। इस दौरान जिन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें हटा दिया जाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि सरकारी दफ्तरों में जब एक बार फाइल शुरू होती है, तो वो फाइल कब खत्म होगी और उसकी मियाद क्या होगी, बकायदा इसके लिए गाइडलाइन भी बने हुए हैं। लेकिन अब तक देश में इन फाइलों के निस्तारण के लिए कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि रिस्क लेने को तैयार नहीं था। महज कई सारी फाइलें ऐसे होती है जो लीव एप्लीकेशन की फाइलें होती हैं, और वो फाइल ऐसी हैं कि जिसमें एक साल बाद उस फाइल का निस्तारण कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो फाइल इसलिए पड़ी हुई है कि कोई इसको निस्तारण करने को राजी नहीं हुआ। तो ये कहानी सिर्फ लीव एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, इसके अलावे भी कई सारी फाइलें हैं जिनको किस तरीके से निस्तारित किया जाए, इसको लेकर कई तरह के गाइडलाइन हैं, लेकिन उस पर सही तरीके से काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फाइलें कबाड़ के रूप में जगह घेरनी शुरू हुई। और आज स्थिति यह है कि महज एक कैंपेन चलाने भर से ही तकरीबन इतना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया है, जिस स्पेस में नया शास्त्री भवन तैयार हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सोच है, जिस सोच को प्रधानमंत्री ने एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को कहा, और उसके बाद से जब से कार्रवाई शुरू हुई है, तब से जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम सबको चौंका रहे हैं। बताइए, सरकारी फाइलों के ढेर लगने की समस्या आज की नहीं है, दशकों से यह समस्या सबका ध्यान खींचती रही है। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में सरकारी फाइलों के ढेर पर कटाक्ष भी किए गए हैं। दिवंगत हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी की एक कॉमेडी सीरीज फ्लॉप शो में भी सरकारी फाइलों की समस्या दिखाई गई थी, और इस समस्या का इलाज है डिजिटाइजेशन, और भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।